हेलो बच्चो लेट रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ अ रियल इमेज यूजिंग अ बायो सोन इन द बिलो इफ द होल सेटअप इज इमर्ज इन द दॉटर विदाउट डिस्टर्बिंग द द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन पोजिशन स्क्रीन ठीक है दिस इज द गिवन सेटअप एंड वी वी वॉन्ट टू टेल कि अगर इसी सेटअप को अगर हम वॉटर में डाल देंगे तो हमारे पास कैसा कैसा ऑब्जर्वेशन रहेगा सो वट इज द की वी आर गोइंग टू यूज इज द की कॉन्सेप्ट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ अस इज नथिंग इट इज इक्वल्स टू रिलेटिव uh, हमारा क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस वन मल्टीप्लाइडेंट रहेगा बिकॉज हमने लेंस यहाँ पे चेंज नहीं करा है पोजीशन चेंज नहीं करी है तो ये हमारा सेम रहेगा तो so हम क्या करेंगे हम वेट वी विल डू वी विल फाइंड द एफ वन एंड एफ टू दैट मीनस पहला एफ होगा हमारा जब हमने एयर में रखा था दूसरा एफ टू होगा हमारा जब हमने इसको वाटर में इमर्ज कर दिया तो देअर फोर वी कैन से दैट 1 upon f when we are in air is equals to refractive index of lens divided by refractive index of air, yani ki, ki, ki relative hai, minus 1. And here is the 1 upon r1 minus 1 upon r2, which we can say that let's say this is a constant k. Similarly, we can find the 1 upon f for water. So, 1 upon f water is equals to refractive index of lens divided by refractive index of water minus 1. स मल्टीप्लाइड बाय के क्योंकि अगेन आर वन माइनसेंट है सो फ्रॉम हेयर वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर इज लेस देर फोर वी कैन से दैट की हमारे पास जो फोकल लेंथ यहां से आएगी सिंस यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर हमारा ज्यादा है तो वी कैन से दैट की यहां से वन अपॉन एफ डब्लू की वैल्यू क्या हो जाएगी देयर फोर वन अपॉन एफ डब्ल्यू विल बी लेस देन वन अपॉन एफ एयर एंड दस वी कैन से दैट की हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाएगी जब हमने वॉर्टर में इमर्स करा तो क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी रेदर देन एयर तो अगर हमारी फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी सो वी कैन आंसर द क्वेश्चन नाउ अगर फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा हमारी जो इमेज है इमेज हमारी स्क्रीन पे नहीं बनेगी ठीक है इस इमेज कहीं स्क्रीन से आगे बन जाएगी तो दैट मीन्स द इमेज विल डिसअपियर तो ऑप्शन नंबर सी विच इज सेइंग दैट इमेज विल डिसअपियर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक